स्वागत है आपका इजी रेसिपी में। आज हम बनाएंगे प्याज के कोफ्ते। घर में जब कोई सब्जी अवेलेबल ना हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए प्याज के कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। प्याज के कोफ्ते बनाने के लिए 6 मीडियम साइज की प्याज ले लेंगे। वजन में ये 600 ग्राम प्याज है। 10-15 हरी मिर्च ले लेंगे। दोनों को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। करी बनाने के लिए 3 मीडियम साइज के टमाटर ले लेंगे। 1 मीडियम साइज की प्याज ले लेंगे। टमाटर की प्योरी बना लेंगे। प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8-10 लहसुन की कलियों को कद्दूकस करके ले लेंगे। प्याज और हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप करने के बाद मैंने दोनों को बर्तन में निकाल लिया है। अब इसमें मसाले मिक्स कर लेते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। नमक और मिर्च को आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। 1 कप बेसन लिया है मैंने। ज़रूरत पड़ने पर और बेसन का यूज़ करेंगे। थोड़ा थोड़ा बेसन डालते हुए प्याज में मिक्स करते जाएंगे। प्याज, बेसन और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाकी का बचा हुआ बेसन भी प्याज में डालकर मिक्स कर लेंगे। मिश्रण हमारा अच्छी तरह बाइंड नहीं हो पाएगा, थोड़ा बेसन और यूज़ करेंगे। 1 कप बेसन डालने के बाद 1 कप बेसन और लिया है, ज़रूरत के अनुसार यूज़ करेंगे। थोड़ा थोड़ा बेसन डालते हुए प्याज में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 2 कप बेसन लिया था मैंने, आधा कप बेसन हमारा बच गया है, 1.5 कप बेसन का यूज हुआ है। नमक और मिर्च आप चेक करके देख सकते हैं, कम लगे तो और डाल सकते हैं। नमक चेक करने के बाद थोड़ा नमक मैंने और डाला है। कोफ्ते में मैंने पानी का यूज़ नहीं किया है। कोफ्ते तलने के लिए कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। तेल के अच्छी तरह गरम हो जाने के बाद हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। कोफ्ते का मिश्रण लेकर गोल शेप देते हुए कढ़ाई में तल लेंगे। हाथों से कोफ्ते को गोल शेप देते हुए कढ़ाई में तलते जाएंगे। गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद कोफ्ते को पलट देंगे। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक तल लेंगे। एक साइड से कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, कोफ्ते को चम्मच की सहायता से पलट लेंगे। दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो जाने तक तल लेंगे। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद प्लेट में निकाल लेंगे। हाथों में थोड़ा तेल लगाएंगे, इसी तरह से बाकी के कोफ्ते भी डाल देंगे। ये वाले कोफ्ते भी दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, प्लेट में निकाल लेंगे। गैस का नॉब बंद कर देंगे। एक्स्ट्रा तेल को किसी कटोरी में निकाल लेंगे। कोफ्ते तलने के बाद जो तेल बचा था उसी में से मैंने 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है। तेल के गर्म हो जाने के बाद प्याज डाल देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। साथ में डाल देंगे हम अदरक, लहसुन। प्याज, अदरक, लहसुन के गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। हींग ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें तो ना डालें। गैस का फ्लेम स्लो कर लेंगे। टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। टमाटर की प्यूरी को तेल अलग हो जाने तक पका लेंगे। टमाटर और प्याज से जब तेल अलग नज़र आने लगे इसमें हम मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक, नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। नमक आपने कोफ्ते में भी डाला है इसलिए ध्यान से डालें। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर,
टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर मिक्स कर लेंगे सबको एक साथ। मसालों के अच्छी तरह से भुन जाने के बाद ज़रूरत के अनुसार पानी डाल देंगे। कोफ्ते करी को सोख लेते हैं इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें। टोटल मैंने 3 कप पानी का यूज़ किया है। ढककर उबाल आने तक पका लेंगे। उबाल आने के बाद गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। स्लो गैस पे 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। 5 मिनट के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद करी में कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ते डालने के बाद करी को पकाना नहीं है वरना कोफ्ते टूट सकते हैं। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। धनिया पत्ता डाल देंगे। 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 5 मिनट के बाद एक बाउल में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। ऊपर से धनिया के पत्ते से गार्निश कर लेंगे। प्याज के कोफ्ते की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो रेसिपी को ट्राई करें। अपने अनुभव कमेंट करके मेरे साथ शेयर करें। कोफ्ते का टेक्सचर दिखा देती हूँ मैं आपको। कोफ्ता हमारा कितना सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। कोफ्ते एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। कोफ्ते के मिश्रण में मैंने पानी का यूज़ नहीं किया था। प्याज के कोफ्ते की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो रेसिपी को ट्राई करें। अपने अनुभव कमेंट करके मेरे साथ शेयर करें।